अगली खबर करनाल से है, जहां करनाल ढांड रोड पर बस में टिकट को लेकर छात्र और परिचालक में विवाद हो गया। बता दें कि परिचालक ने एक छात्र को बस से नीचे फेंक दिया, उसके बाद छात्र और परिचालक में कहासुनी हो गई। चालक बस को लेकर रामनगर थाने में पहुंच गया, वहां पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत पुलिस को दे दी। इस दौरान सरकार से भी गुहार लगाई गई, छात्रों को थोड़ा ध्यान रखा जाए और उनके लिए सफर पर बस चलाई जाए ताकि छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। डेली अप डाउन करते हैं तो टिकट भी लेनी पड़ेगी सर, हमें भी पता है ना क्या रूल है क्या नहीं है, तो ये तो सोचते हैं भाई गुंडा कर दिए ऐसे। आपको नहीं लगता कि ऊपर बैठ के जाएंगे तो फिर जान का खतरा बनेगा? जान का खतरा तो है सर, इसलिए सरकार को बोल, सरकार को सोचना चाहिए ना सर, एक दो बस एक्स्ट्रा लगवाए। सभी बस ऐसी आती है इस रूट की सर, इतनी बस है, वो है ना सवारियाँ, आप ना एक एक बार में भी चार लगाए ना तब भी ऐसे ऐसी जगह पाएगी सर, बैठने की जगह नहीं है, 50 बंदे बैठे होंगे, बाकी तो 150 बंदे ऐसे ही खड़े हैं सर, और बाकी तो आधे से रामनगर से चले गए सर ऑटो में, जिसको लेट हो रहा था। ये खबर करनाल रोड पर बस में टिकट को लेकर छात्र और परिचालक में विवाद हो गया। बता दें कि परिचालक ने एक छात्र को बस से नीचे फेंक दिया, उसके बाद छात्र और परिचालक में कहासुनी हो गई। चालक बस को लेकर रामनगर थाने में पहुंच गया और वहां पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों को लेकर पुलिस ने शिकायत लिख ली है। इस दौरान सरकार से भी गुहार लगाई गई कि छात्रों को थोड़ा ध्यान रखा जाए और उनके लिए सफर पर बस चलाई जाए ताकि छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, करनाल ढांड रोड बस पर टिकट को लेकर छात्र और परिचालक में विवाद हो गया। बता दें कि परिचालक ने एक छात्र को बस से नीचे फेंक दिया था।